आइए आज हम चलते हैं ईसा खान के मकबरे को देखने के लिए, जिसे हम ईसा खान का सेनागार भी बोल सकते हैं। हुमायूं के मकबरे के पास स्थित इस मकबरे को दिखा रहे हैं ओम जितेंद्र सिंह तोमर और उनकी सहायक विनीता तोमर। आइए चलते हैं। सबसे पहले हमें प्रवेश करने के लिए टिकट लेना होगा। यहाँ टिकट बच्चों के लिए 15 रुपये, वयस्कों के लिए 40 रुपये और वीडियोग्राफी के लिए 25 रुपये है, जबकि विदेशी सैलानियों के लिए यह टिकट 600 रुपये है। और यहाँ पर टोकन मिलते हैं, जैसे कि आप मेट्रो वगैरह में देखते हैं, और इसी से प्रवेश होता है। यह एक शानदार अष्टकोणीय इमारत है जो देखने में बहुत सुंदर लगती है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। और इसमें ये जानकारी आप ईसा खान इस शानदार इमारत का निर्माण 1547-48 में अपने जीवन काल में और हुमायूं के मकबरे के निर्माण से लगभग 20 वर्ष पूर्व कराया था। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह एक शानदार इमारत है। ये जो मकबरा है यह भी अष्टभुजाकार है और यहाँ भी एक उसमें 3 दरवाजे इधर 3 इधर, इस तरीके से 24 दरवाजे हैं इसे और एक मेन। हुमायूं के मकबरा परिसर में घुसते ही सीधे हाथ की तरफ यह जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसी संरचना के अंदर से हमें ईसा खान के मकबरे तक पहुंचना है। चलिए अब हम भी अंदर मकबरे को देखने के लिए चलते हैं। ये सामने जो इमारत दिखाई दे रही है, यह शानदार इमारत ईसा खान नियाजी का मकबरा या उनका शयनागार है। और यह जो रास्ता आप देख रहे हैं, यह प्रवेश द्वार है जिससे हम अंदर प्रवेश किया था, और यह 4 दीवारों से घिरा हुआ है। इसके अंदर छोटे छोटे दरवाजे या द्वार से बने हुए हैं जो लोगों के प्राचीन काल में ठहरने की व्यवस्था हुआ करती थी, और यह अंदर से भी इस 4 दीवारी के बीचों बीच अष्टकोणीय आकार में बना हुआ है नियाजी का मकबरा। वास्तव में ईसा खान नियाजी मुगलों के विरुद्ध लड़ने वाला सूर वंश के शासक शेरशाह सूरी के दरबार के एक अफगान नवाब थे। ईसा खान नियाजी का जन्म 1453 में हुआ था और 1548 में 95 वर्ष की आयु में उनका दिल्ली में निधन हो गया था। यह अष्टकोणीय मकबरा 4 बाग शैली में बना हुआ है। ईसा खान ने इस मकबरे का निर्माण हुमायूं के मकबरे से भी लगभग 20 साल पहले अपने जीते जी करवा दिया था, और उसके बाद उसके पूरे परिवार के लिए यह मकबरा काम आया। इसमें 3 मुख्य कब्रों के साथ कुल 6 कब्रें बनी हुई हैं। ये कब्रें नियाजी ईसा खान और उसके परिजनों की हैं। आप छत की बहुत सुंदर कारीगरी देख रहे हैं, शिल्प कार्य बहुत अच्छे से हुआ है। वही कार्य आप इन कब्रों और दरवाजों पे भी देख सकते हैं। यहाँ पर अरबी की आयतें भी आपको देखने के लिए मिलेंगी।
यह एक भव्य इमारत है और इसमें सोए हुए हैं नियाजी और उनके परिवार के लोग। आज यह शयनागार विश्व विरासत के रूप में, एक धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित कर दिया गया है। इसे नुकसान पहुंचाना या इसकी जो दिखावट है उसमें कोई भी परिवर्तन करना कानूनन जुर्म है। अतः हमें चाहिए कि हम अपनी धरोहर का अच्छे से ध्यान रखें। यह एक मस्जिद है जिसका बीच में मुख्य द्वार बना हुआ है। इसी पर एक यह कुआ बना हुआ है जिसे अब जाली द्वारा ढक दिया गया है ताकि कोई दुर्घटना ना घटित हो। इसी द्वार के पास से ही ये किलाबंदी की गई है और इस किले पर चढ़ने के लिए यहाँ पर सीढ़ियां बनी हुई हैं जिससे ऊपर जाया जा सकता है। इसके पीछे रास्ता है जिस पर ट्रैफिक चलता है। आज हमने ईसा खान नियाजी के सुंदर मकबरे के बारे में आपको बताया। हमें आशा है कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। अगर इसमें कुछ त्रुटि रह गई तो कृपया हमें बताने की कृपा करें। जहाँ विदेशों से जहाँ सैलानी घूमने के लिए आते हैं वहीं अपने देश के भी लोग यहाँ घूमने बहुत अधिक मात्रा में आते हैं। ये स्कूल का एक ग्रुप है, बच्चे हैं जिनके टीचर इन्हें यहाँ लेकर आए। सर आप कहाँ से हैं? फ्रॉम वेयर? तमिलनाडु। तमिलनाडु। स्कूल का नाम? ओमेगा इंटरनेशनल स्कूल। ओमेगा इंटरनेशनल। आपको भी मौका मिले तो अवश्य आइएगा हुमायूं का मकबरा देखने के लिए। उसी के पास आपको मिलेगा ईसा खान का मकबरा जो बहुत सुंदर इमारत है और हमें विश्वास है कि आपको यह बहुत अच्छा लगेगा और आप आना नहीं भूलेंगे। यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब तथा लाइक अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका अपना ओम जितेंद्र सिंह तोमर, सहायक विनीता तोमर। थैंक्स फॉर वाचिंग अवर चैनल। योर्स ओम जितेंद्र सिंह तोमर, डायरेक्टेड बाय ओम जितेंद्र सिंह तोमर, असिस्टेड बाय विनीता तोमर। ईमेल ओम जितेंद्र सिंह तोमर @gmail.com।